हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है यह ग्रीन मिक्स वेज की सब्जी। इसी की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड इसकी पूरी रेसिपी, किस तरीके से यह स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। ग्रीन मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली हैं कई तरह की हरी ताज़ी सब्जियाँ। साफ पानी में धुल लेंगे सब्जियों को, उसके बाद इस तरीके से काट कर तैयार कर लेंगे। बीन्स लिया है, सेम फली है, गाजर और साथ में मटर है, एक शिमला मिर्च है, उसके इस तरीके के पीस हमने काट लिए हैं। यहाँ पर हमने सेम फली और बीन्स की मात्रा ज़्यादा ली है, गाजर मटर और शिमला मिर्च की मात्रा थोड़ी कम ली है। अब हम देख लेते हैं सब्जी के मसाले। यहाँ पर हमने दो प्याज लिए हैं, उनको इस तरीके से काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और साथ में मेथी पत्ता। एक कटोरी हमने सोया बड़ी लिया है, इसको हमने 2 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसके बाद हम इसे सब्जी में मिक्स करेंगे। अब हम गैस को जलाते हैं और इसके ऊपर हम कुकर चढ़ाएंगे। मिक्स वेज की सब्जी हम कुकर में बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनती है कुकर में सब्जी। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें भीगा हुआ सोया बड़ी डाल देंगे और इसको इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। मिक्स वेज सब्जी में फ्राई सोया बड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। सोया बड़ी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हमने निकाल लिया है। अब हम इसी गरम तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा तेल में अच्छे से चटकने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन पेस्ट, साथ में 2 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं तेल में। अब हम इसमें डालेंगे मेथी पत्ता बारीक कटा हुआ और साथ में 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। सभी को अच्छे से भूनते हैं। 2 प्याज हमने जो बारीक काट करके रखे थे उसको भी साथ में डालकर अच्छे से भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट प्याज को हम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को तेल में हमें सुनहरा होने तक भूनना है, बिल्कुल भी प्याज कच्चा नहीं रहना चाहिए। इधर प्याज भून रहा है तब तक हम सब्जी के मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने एक कटोरी ली है, इसमें 1/2 कप पानी डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच बारीक पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। पानी में सूखे मसाले को इस तरीके से मिक्स कर देते हैं और मसाले का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तेल में प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाला पेस्ट इसमें हम डाल देते हैं। अभी कटोरी में थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद प्याज और मसाला तेल में अच्छे से फ्राई करते हैं। 2 मिनट हम मसाला और प्याज को इस तरीके से भूनकर तेल में अच्छे से पकाते हैं। मसाला जब तेल में अच्छे से फ्राई हो जाता है तब इसमें से तेल अलग होने लगता है और कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से तेल में फ्राई हो चुका है, इसमें से तेल अलग होने लगा है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर पका हुआ बारीक कटा। टमाटर और मसाला अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हम इस पर 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं। इस तरीके से हम इस पर ढक्कन रख देते हैं। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटा करके चेक करते हैं मसाले को। टमाटर पक चुका है, इसको हम इस तरीके से मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें टमाटर को हमने डाला है। इस तरीके से हमें टमाटर को पका करके अच्छे से मसाले में मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी सब्जियां जो हमने काट करके रखी थी। कटी हुई बीन्स को डालेंगे,
शिमला मिर्च को डालेंगे, सेम फली, मटर, गाजर, सोया बड़ी, सारी सब्जियों को इस तरह से हम डाल देते हैं कुकर के अंदर। कटी हुई सारी सब्जियां डालने के बाद अब हम सब्जियां और मसाले इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हैं। गैस की आंच को तेज़ रखेंगे और 2 मिनट हम इस तरीके से अच्छे से भूनते हैं मसाला और सब्जी एक साथ। 2 मिनट सब्जियों को भूनने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम सब्जी को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सब्जी मिक्स करने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। मध्यम आंच पर हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे और सब्जी को पका लेंगे। 1 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं, कुकर के अंदर का सारा प्रेशर हटा देते हैं जिससे सब्जियां हमारी ज़्यादा गले नहीं। कुकर के अंदर जब हम इस तरह से सब्जी को बनाते हैं तब इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाते हैं, नहीं तो सारी सब्जियां गल सकती हैं। आप देख रहे हैं सब्जियां हमारी बिल्कुल भी गली नहीं हैं। इसमें से थोड़ा सा पानी जो निकला है, गैस की आँच को हम तेज़ करेंगे और सब्जियों को 2 मिनट भून लेंगे। 3 से 4 मिनट में यह सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पककर तैयार होती हैं कुकर में। 2 मिनट भूनने के बाद सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। सब्जी के साथ हमने रोटी भी बना ली है। हमने सारी रोटियां सेक कर तैयार कर ली है। अब हम सब्जी को भी एक कटोरी में निकाल लेते हैं। जिन लोगों को बीन्स की सब्जी कम पसंद आती है वह लोग बीन्स, सेम फली और सोया बड़ी की सब्जी इस तरीके से ज़रूर बनाकर खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है इस तरीके से। इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे थोड़ा सा। इस तरीके से बनी हुई बीन्स की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारी मिक्स बेस सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व कर लेती हूँ। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, इसी तरह की बहुत सारी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल अनमोल पाक कला सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की और भी टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।